अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइजर। आज की वीडियो बड़ी अहम है उन तमाम लोगों के लिए जो कि अमेरिका का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं और मुझसे अक्सर एक क्वेश्चन करते हैं कि अमेरिका तो बैंक स्टेटमेंट भी नहीं मांगता, अमेरिका जो है वो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगता, इसका वीजा तो बड़ा आसान होगा और क्या ये वीजा मिल सकता है। आखिर अमेरिका किस बेसिस पे जो है वो लोगों की प्रोफाइल्स को असेस करता है, चेक करता है और वीजा जो है वो ग्रांट कर देता है। ऐसे कौन कौन से मामलात हैं जिनको चेक किया जा सकता है एम्बेसी की तरफ से, वीजा ऑफिसर की तरफ से, और क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है कि बगैर डॉक्यूमेंट्स के जो है वो वीजा ग्रांट कर दिया जाए। आज की इस वीडियो में जो है वो मैं आपको एक बड़ी अहम डिटेल्स देने वाला हूँ कि कौन कौन सी जो है वो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके वीजा एप्लीकेशन में बड़े अहम है जब आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, ख़ास तौर पे B1, B2, और क्या वाकई ये तमाम तर बातें सच्ची हैं कि नहीं है, इनमें क्या सदाकत है कि वीज़ा मिल सकता है विदाउट डॉक्यूमेंट्स। वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं अक्सर जो है मेरे पास लोग आते हैं और आके कहते हैं जी हमने फलानी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, फलानी कंट्री का हमने ये करना है। जब उनसे पूछा जाता है डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उनके पास, वो कहते हैं जी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप ऐसा करें किसी ऐसी कंट्री का करवा दें जिधर डॉक्यूमेंट्स ना लगें। तो मैं उनको मना कर देता हूँ कि जनाब मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है मेरे पास कि मैं आपको जो है वो कोई अच्छा सा वीज़ा बना के दे दूँ और आप उस पर ट्रैवल कर जाएं। तो फिर आगे से कहते हैं कि जी हमने सुना है अमेरिका का वीज़ा विदाउट डॉक्यूमेंट मिल जाता है तो हमारा वही अप्लाई करा दें, जबकि उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती, उनके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। गर्ज ये कि काफ़ी सारे मामला उनके ख़राब होते हैं, उलझे हुए होते हैं और वाजिया तौर पे ये नज़र आ रहा होता है कि इनको तो शायद अभी मलेशिया थाईलैंड का वीज़ा भी नहीं मिलेगा तो ये अमेरिका की बात कर रहे हैं। और फिर इस चीज़ के ऊपर एक छोटी सी बहस शुरू हो जाती है कि जी हमने तो सुना था कि ये इस तरह से होता है, हमने तो सुना था वो इस तरह से होता है, तो क्या ये तमाम तर चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। सबसे पहले एक चीज़ याद रखें कि अमेरिका की जो मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट है, इसके 95% वीज़ाज उन्हीं लोगों को इशू हो रहे होते हैं जो वाकई इसके डिज़र्विंग होते हैं, यानी जो जाके वापस आते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरी कंट्रीज़ को देखें जिनके वीज़ाज इशू हो रहे होते हैं, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो स्पेन है, चाहे वो फ्रांस है, चाहे वो कोई भी कंट्री है, तो उनमें से ऑलमोस्ट 50-60% ऐसे भी वीज़ाज ग्रांट हो जाते हैं जिनका वाकई नहीं पता होता कि ये वापस आएंगे भी, और इसी तरीके से वो लोग वापस भी नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अमेरिका अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं ले रहा तो फिर ऐसे कैसे अवामिल हैं जिनके ऊपर वीज़ा जो है वो ग्रांट करवा दिया जाता है, हो जाता है लोगों का ग्रांट और लोग जो हैं वो होकर आ जाते हैं, और वो वाकई 95% उनकी ऐसी रेशो होती है कि 95% या इससे ज़्यादा लोगों को वीज़ा ग्रांट होता है जो वाकई डिज़र्विंग होते हैं और जिन्होंने वाकई वापस आना होता है। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखें कि आपकी ओवरऑल प्रोफाइल हर वीज़े के लिए बड़ी मैटर करती है, इसके अंदर भी आपकी ओवरऑल प्रोफाइल को देखा जाता है। अब होता क्या है, आप एक DS-160 फॉर्म जो है वो फिल करते हैं, उस DS-160 फॉर्म में आपने सबसे पहले देखना है कि मालूमात कौन कौन सी ली जा रही है। उसमें मालूमात ली जा रही हैं आपसे आपकी फैमिली के मुतल्लिक, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, सोशल टाइज का पता लग गया उन्हें। अब उसको वो क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे, बिकॉज नादरा की एक्सेस है उनके पास और वो नादरा का सिस्टम चेक कर सकते हैं कि वाकई अगर आपने मैरिड लिखा है तो आप मैरिड हैं भी क्या नहीं है। अगर आपने डिस्क्लोज किया है कि मैं मैरिड हूं तो वाकई आपके सिस्टम में नादरा के आपकी मैरिज जो है वो उसके अंदर डिस्क्लोज हुई हुई है, यानी आपने रजिस्टर करवाया हुआ है या नहीं करवाया हुआ, तो आपके सोशल टाइज यहीं से कंफर्म हो जाते हैं। तो नंबर एक फैक्टर तो आपका ये हो गया। फिर आगे आप एप्लीकेशन में चलते जाएं, आपसे आपके पेरेंट्स की डिटेल्स ली जाती हैं, उनके आईडी कार्ड आपका आईडी कार्ड नंबर लिया जाता है जिन पे उनकी भी डिटेल्स जो है वो शो हो जाती हैं। पूछा जाता है कि आपके फादर या मदर यूएस में हैं या नहीं, आप उसमें यस या नो करते हैं, यस करेंगे तो भी उनकी डिटेल्स आ जाएंगी उनके पास, नो करेंगे तो तब भी उनको जो है वो इसके बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद अगर आगे चलते जाएं तो फिर आपसे एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। अब FBR के ऊपर कुछ भी चेक करना किसी का वो कोई मसला नहीं है, आपका NTN कब इशू हुआ था, आप कब से टैक्स फाइलर हैं और आप फाइलर हैं भी या नहीं है, वो तमाम दर चीज़ें भी जो है वो एम्बेसी एक्सेस कर सकती है। तो आपके जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो भी वो वहां से जज कर लेते हैं कि वाकई जो है वो इकोनॉमिक टाइज आपके स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं है। अब जो मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ जो कि सबसे अहम है वो ये है कि आपसे आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल्स तलब की जाती हैं। अब सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल्स लेने का ताल्लुक वीज़ा एप्लीकेशन में क्यों होता है?
सबसे पहले ये चेक करने के लिए कि आप उसके ऊपर किस किस किस्म का मवाद शेयर करते हैं, आप आया के जो है वो वाकई जो डिटेल्स आप अपनी प्रोफाइल के मुतालिक डीएस 160 में फिल कर रहे हैं वो आपके डिपिक्ट करती हैं आपकी सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स पे, खास तौर पे फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, स्नैपचैट के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर आप जो है वो किस किस किस्म की चीज़ें शेयर कर रहे हैं, आप वाकई अगर ट्रैवल करते हैं तो उस पर क्या क्या चीज़ें शेयर कर रहे हैं, आप रिलीजियस हैं या नहीं हैं, ये भी चीज़ें वो जो है उसके ऊपर देखी जा सकती हैं। इसके अलावा आपके चेक इन्स देखे जा सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ पे चेक इन कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, गूगल का पूरा डाटा भी जो है वो इसको चेक कर सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ पे ट्रैवल किया और जो चीज़ें आपने उसके अंदर मेंशन की हैं वो दुरुस्त हैं कि नहीं है। इवन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप उनको ये नहीं बताएंगे ना कि आप सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ तो करते हैं लेकिन आपने उनकी डिटेल्स नहीं ली, तो वो तब भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। जब कोई एम्बेसी कोई भी मामला को चेक करना चाहे तो वो ऐसी ऐसी डिटेल्स निकाल लेते हैं जो कि आप खुद भी इमेजिन नहीं कर सकते कि आपका 10 साल पहले की डिटेल और 15 साल पहले की डिटेल भी उनके पास अवेलेबल है। उसके बाद आपसे ट्रैवल हिस्ट्री पूछी जाती है और वो ट्रैवल हिस्ट्री भी आपने उसके अंदर मेंशन करनी है और आखिरी 5 साल की करनी है। आप उसमें अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं ऐड करेंगे तो आपको एज अ ट्रैवलर नहीं वो जो है वो कंसीडर करेंगे। आप उसमें ट्रैवल हिस्ट्री अपनी ऐड करेंगे तो आपको एज अ ट्रैवलर भी जो है वो कंसीडर किया जाएगा। और ट्रैवल हिस्ट्री को कैसे वेरीफाई किया जा सकता है उनकी तरफ से, अब आप देखेंगे कि आप जितने लोग जानते हैं अब FPR का सिस्टम भी इंटीग्रेटेड हो चुका हुआ है आपके FIA के सिस्टम के साथ और इन तमाम सिस्टम्स की एक्सेस कहीं ना कहीं लिमिटेड तौर पे इन एम्बेसीज खास तौर पे US एम्बेसी के पास मौजूद ज़रूर है, बाकी एम्बेसीज का मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो ये तमाम तर मालूम चेक कर सकते हैं कि आप कब कब यहाँ से बाहर गए हैं पाकिस्तान से और कब कब वापस आए हैं, कौन कौन सी कंट्री का आपने ट्रैवल किया है। एक बड़ी अहम चीज़ इसमें और पूछी जाती है आपके DS 160 में कि क्या आपका कभी कोई पासपोर्ट गुम या चोरी तो नहीं हुआ, तो आप ये भी जो है वो डिटेल्स दे सकते हैं कि और ये भी बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन होता है। इसके ऊपर वीज़ा भी जो है वो लोगों का कई दफ़ा रिफ्यूज़ होता है, उनसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि क्या आपका कभी कोई पासपोर्ट गुम हुआ है, ये एक रेड फ्लैग है। बहुत से लोग खासतौर पर पाकिस्तान में एजेंट्स के हाथों में पासपोर्ट देके अपना गवा लेते हैं, गुम कर लेते हैं, या फिर वो दानिस्ता तौर पे अपना पासपोर्ट छुपा लेते हैं कि उसके ऊपर कोई किसी किस्म की कोई स्टैम्प वगैरह लगी हुई होती है। तो ये भी एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है जिसको जो है वो बड़े क्रिटिकली अंदाज से जो है वो देखा जाता है। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो उधर से देखी जाती हैं और तमाम तर मामला को उधर से चेक किया जाता है और उसके बाद वीज़ा ऑफिसर इन तमाम तर डिटेल्स को वेरीफाई करते हैं जो आपने प्रोवाइड की हुई है अपने DS 160 में, और उसके बाद फिर वो जो है वो उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लेने का उनके पास टाइम कम ही होता है, 2-4 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने डिसीजन करना होता है, लेकिन जो भी वो डिसीजन करते हैं बड़ा परफेक्टली फाइन डिसीजन किया जाता है और उन लोगों को वीज़ाज ग्रांट होते हैं जिन्होंने वाकई जाके जो है वो वहां से वापस आना होता है। और इसलिए आप देखेंगे कि एक लॉन्ग टर्म वीज़ा है, 5 साल का वीज़ा ग्रांट किया जाता है। ये तमाम तर फैक्टर से US एम्बेसी के हवाले से, और ये बड़ी अहम वीडियो है, इसको संभाल के रखिएगा और एंड में वो तमाम लोग जो कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं वो हमसे कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर्स पे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।